हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आपका स्वागत है। आप लोगों को भौतिक विज्ञान सेकंड में इससे पहले दो मेन फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला क्या था आपका, गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या आया था, एन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू एन माइनस वन अपान आर। क्यों गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, आपको फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा आप क्या पढ़े थे पहले के बाद, दूसरा आप लोग पढ़े थे पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या आया था, वन अपान एफ इक्वल टू एन माइनस वन कोष्टक में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर। यही आप लोग अध्ययन किए थे ना। लेकिन एक चीज जानिए, जब पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आएगा तो यही फार्मूला एक नाम से और जाना जाता है, लेंस मेकर का सूत्र। ध्यान से समझ रहे हैं ना, इसको एक नाम से और जाना जाता है, लेंस मेकर का सूत्र। तो आप लोग हेडिंग जो डाले होंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, उसी में हेडिंग डाल दीजिएगा उसी के बगल में, या लेंस मेकर का सूत्र, इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोगों को ये चीज बताना है, कहीं पर अगर आ जाए लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला, तो लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। यह लेंस के अपवर्तन का सूत्र नहीं है, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला है। यह पतले लेंस के लिए, लेकिन जब केवल लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला कह दिया जाए तो आप लोग क्लास टेंथ में भी पढ़े होंगे, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान यू, वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस वन अपान यू। लेंस के लिए, अगर दर्पण के लिए होता है तो बीच में प्लस हो जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग यही बताएंगे। अगर यहाँ तक आप लोग समझे हो हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हमको बताना क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस पर। अब संपर्क में दो लेंस रखना है तो हम दो लेंस संपर्क में रख ले रहे हैं, ठीक है। दो लेंस हो गया, एक लेंस L1 हो गया, दूसरा लेंस L2, राइट। तो दो लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, बीचों बीच से किरण जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, वक्रता केंद्र C1 C2, यहाँ पर दो ध्रुव P1 P2 P3 भी बन जाएगा, यहाँ पर P4 भी बन जाएगा, दो फोकस दूरियां होंगी F1 व F2 होंगी। अब ध्यान से देखिए परिभाषा क्या कहेंगे, परिभाषा आप लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, हम बोल रहे हैं वही सुनिए ध्यान से। माना दो लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, प्रथम लेंस L1 के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाशित किरणें अपवर्तन के द्वितीय लेंस से होकर अपवर्तन के पश्चात बिंदु आई डैश पर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। तक समझ में आया, चलिए यह वस्तु है ना, तो वस्तु से लेंस की दूरी क्या हुई, यू हुई। अब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या हुई, वी, लेकिन यहाँ पर डैश लगा तो हम क्या लगा देंगे, डैश। सेम टू सेम आप लोगों को जैसे लेंस मेकर का सूत्र बताया गया है, सेम सेम तो वही है, ज़्यादा अंतराल न करते हुए हम सिंपल में बता रहे हैं, नहीं तो बताने के लिए तो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे तो यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ तक आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना दो लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है, प्रथम लेंस L1 के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाशित किरणें द्वितीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिंदु वाई डैश पर अपना वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसकी लेंस L2 से दूरी क्या है, वी डैश है। हम जो बोल रहे हैं वही आप लोग लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सर आप परिभाषा नहीं लिखेंगे, जो बोल रहे हैं वही देख देख आप लोग रिपीट करके सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसलिए लेंस के अपवर्तन के सूत्र से
अब आप लोगों को पता होगा कि लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला होता है वन अपान एफ बराबर वन अपान वी माइनस वन अपान यू, या वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान ये होता है। चलिए लेकिन यहाँ पर पहले लेंस के लिए है फोकस दूरी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ वन आ जाएगा। अब ध्यान से हम यहाँ पर कुछ ट्रिक लिख रहे हैं, वस्तु और प्रतिबिंब किस स्थिति में, पहली स्थिति वस्तु कौन है आपका यू, प्रतिबिंब कौन है आपका वी डैश, तो वस्तु यू तो चेंज करना है नहीं, प्रतिबिंब को केवल वी डैश कर दीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद पुनः आई डैश द्वितीय लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए नहीं इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे उसका आभासी प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनता है, जिसकी लेंस से दूरी क्या है। अभी इस तथ्य पर आइए, पहले इसमें समझिए हमने क्या कहा, दूसरी स्थिति में पुनः जो आई डैश है क्या कार्य करता है, किसका कार्य, आभासी वस्तु, यानी वस्तु कौन हुआ आई डैश, वस्तु को इस समय वी डैश ही तो उसकी दूरी है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब पुनः अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब बिंदु आई पर बनता है। अब आई है तो प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, डैश लगा होता तो डैश लगाते, बिना डैश का तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा यहाँ पर भी। तो चलिए यहां तक लिखने के बाद फिर लिखेंगे पुनः लेंस के अपवर्तन के सूत्र से। अब लेंस के अपवर्तन का फॉर्मूला वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ होता है। चलिए वस्तु को हमने वी डैश कहा गया है, वस्तु इसमें कौन बताइए, यू है ना, यू नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए यू की जगह वी डैश, और प्रतिबिंब वी है तो वी ही रहेगा सही, और फोकस दूरी या फोन की जगह क्या रहेगा यह, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आपके पास दो समीकरण प्राप्त है, एक समीकरण वन और एक समीकरण सेकंड, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण एक और दो को जोड़ने पर तो बाया पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा, दाहिने पक्ष दाहिने पक्ष से, बाएं पक्ष में है वन अपान वी डैश माइनस वन अपान यू, ठीक है ना, यह किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, इसके बाएं पक्ष से, इसके बाएं पक्ष में वन अपान वी माइनस वन अपान यू, और दाहिने पक्ष से जुड़ेगा दाहिने पक्ष से, दाहिने पक्ष में है वन अपान एफ वन प्लस इसके दाहिने पक्ष में है वन अपान एफ टू, कुछ कैंसिल होता है, वन अपान वी डैश प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, यह माइनस या प्लस, तो प्लस वाला पहले, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ, याद रख लिया। यदि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, अनंत पे, तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस दूरी के बराबर होता है, यह बताया गया है, तो वन अपान वी की जगह क्या हो जाएगा एफ माइनस वन अपान यू की जगह इनफाइनाइट रखेंगे जीरो हो जाएगा छोड़ दे रहे हैं, बराबर क्या बचेगा वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। यह क्या है आपका, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला, यदि एलसीएम लेंगे तो साल करेंगे जब तो क्या आ जाएगा एफ वन एफ टू बटे एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, यह भी कर सकते हैं और यह भी कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। उसी प्रकार से जैसे फोकस दूरी के व्युत्क्रम उसके योगफल के बराबर होता है, वैसे ही लेंस की क्षमता की बराबर पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, यह भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे आजकल घर पे, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी टॉपिक समस्या क्रिएट करता नहीं आ रहा समझ में उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या जो भी तरीका है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो पूछिए हम बताएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको नोट्स में कम्प्लीट करें।